हेलो दोस्तों, तो आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 17। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस जावी क्लास 1 के मॉनिटर को सिलेक्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बोर्ड पर 3 नेम्स लिख दिए थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की वू फेंग खड़ी होकर कहती है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, यू हो हमारी क्लास का मॉनिटर नहीं बन सकता, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वर्णुंग के अलावा वो अकेले कोई भी फाइट नहीं जीत सकता। जिस पर हम देखते हैं कि यूहव ने उसके फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही हम देखते हैं कि यूहव ने अरीना में वू फेंग को काफी बुरी तरीके से हरा भी दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिसाइपल्स यूहव के खिलाफ थे, जो कि यूहव को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कह रहे थे कि हम इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं, यूहव अभी भी क्लास का वॉइस मॉनिटर नहीं बन सकता। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मिस जावी गुस्सा होते हुए कहती है कि बस करो ये सब, क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी जब मैंने कहा कि जो भी मेरे डिसीजन के खिलाफ जाएगा मैं उसे एक्सपेल कर दूंगी। चूटी अंडाई हुआ बिंजुलू, तुम तीनों यहां से निकल जाओ, तुम तीनों को एक्सपेल किया जाता है। साथ ही मिस जावी ने यहां पर वू फेंग को भी एक्सपेल कर दिया था क्योंकि उसने बिना लीव दिए हुए छुट्टी कर ली थी। सब लोग मिस जावी का ये गुस्से वाला रूप देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे, जबकि डाई हुआ बिन और चूटी अभी भी इस बात से एग्री नहीं थे। इसलिए मिस जावी गुस्से के साथ अपने रिंग्स को एक्टिवेट करती हुई उनसे कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम लोगों को क्या कहा। मजबूरन उन तीनों को निकलकर बाहर आना पड़ा, जहाँ जियुलू डाई हुआ बिन से कह रही थी कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर डाई हुआ बिन जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग अकेडमी के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन यूहव की वजह से आज के दिन हमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। ये कहते हुए डाई हुआ बिन काफी जरा गुस्से के साथ यूहव की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम यूहव वार्डोंग और ज्याओज्याओ को देखते हैं जो कि काफी जरा खुश लग रहे थे। वर्णुंग चलते हुए यूहव से कह रहा था कि आज के दिन तो मिस जावी कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज्याओज्याओ कहती है कि हाँ उन्होंने फौरन से डिसीजन लिया और फौरन एक्शन भी, सच कहो तो उन्होंने मुझे खुश कर दिया, आज मेरा मूड काफी अच्छा है इसलिए मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी। दूसरी तरफ हम मास्टर यान को देखते हैं जिन्हें इस सब के बारे में मालूम हो चुका था, वो काफी जरा गुस्से के साथ मिस जावी से कह रहे थे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, अभी तो क्लासेस शुरू भी नहीं हुई थी और तुमने सबसे अच्छे 3 डिसिपल्स को एक्सपेल भी कर दिया, ये काम तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम लोग तो तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे कि तुम्हें सीनियर टीचर बना दे, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सीनियर टीचर बन पाओगी, जो सुनकर मिस जावी जवाब देती हुई कहती है कि मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, अगर तुम्हें मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई भी मसला है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई सीनियर टीचर बन पाऊँ या नहीं, चाहो तो तुम मुझे अकेडमी से एक्सपेल कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर मुझे अपने ही तरीकों से पढ़ाना है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे सिखाओ कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। मास्टर यान भला एक बेहतरीन टीचर को कैसे खो सकते हैं, इसलिए वो हंसते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें अपनी टीचिंग मेथड्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, अब सुनो मेरी बात गौर से, तुम्हें मुझे 5 ऐसे डेसिपल्स देने होंगे जिन्हें हम इनरशिक एकेडमी के लिए क्वालिफाई करवा सके, अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो मैं सच में तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, जो सुनकर मिस जावी भी काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ वहां से रवाना होते हुए कहती है कि तुम्हें 5 से ज्यादा डेसिपल मिल जाएंगे, मुझे अपने डेसिपल्स पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यूहव पर आ जाता है जो कि सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आया हुआ था, जहां मास्टर फान तो यूहव को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी, वो यूहव से कहती है कि मुझे मिस जावी ने कल के कंपटीशन के बारे में बताया, तुमने काफी अच्छा काम किया, मुझे जानकर खुशी हुई। इसके बाद वो यहाँ पर केटाओ से कहती है कि आज के दिन तुम खुद की प्रैक्टिस खुद ही करना, मुझे यूहव को कुछ सिखाना है, जिस बात से केटाओ को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। मास्टर फान यहाँ पर यूहव को लेकर सीधे सोल गाइडेंस टूल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वो यूहव को बता रहे थे कि सोल गाइडेंस टूल को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। साथ ही वो यूहव से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सोल गाइडेंस टूल क्या होता है, जिस पर यूहव जवाब देते हुए कहता है कि ये एक ऐसी मशीनरी होती है जो कि हमारी सोल पावर को कन्वर्ट करके किसी भी टूल या फिर वेपन में बदल देती है। मास्टर फान उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट बाकी के टूल्स के बजाय सिर्फ वेपन्स पर ज्यादा ध्यान देता है, जिन्हें दूसरे अल्फाज में हम लोग मिलिट्री सोल गाइडेंस टूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर मौजूद इस अकेडमी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि इसके बहुत खिलाफ हैं, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अगर कल को कोई भी जंग शुरू हो जाती है तो हमें इन सोल गाइडेंस टूल की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस कॉन्टिनेंट के पास भी सबसे ज्यादा अच्छे सोल गाइडेंस टूल होंगे वही यकीनन इस जंग को जीतेगा। यूहव यहाँ पर मास्टर फान की ये सारी बातें सुनते हुए कहता है कि आज से 4000 साल पहले भी कॉन्टिनेंट्स के दरमियान एक जंग हुई थी, कहीं आप इसी तरह की एक जंग के बारे में बात तो नहीं कर रहे, जिस पर मास्टर फान एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि हाँ तुमने सही समझा, आज से कई हजार साल पहले सन मून एम्पायर के पास सोल गाइडेंस वेपन आ चुके थे जिन्होंने बाकी के कॉन्टिनेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया था, इवन के बाकी कॉन्टिनेंट के पास टांग क्लैन के हिडन वेपन्स भी थे, लेकिन फिर भी टांग क्लैन के लोग यहाँ सन मून एम्पायर के
खिलाफ कड़े नहीं हो पाए, जिसकी वजह से टांग क्लैन का वक्त खत्म हो गया। कभी वो बहुत ही मशहूर हुआ करता था। हमारे बाकी के सोल मास्टर्स की वजह से बेशक हम लोगों ने सन मून एम्पायर को हरा दिया, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। सन मून एम्पायर दोबारा से सही वक्त का इंतजार कर रहा है, इसलिए हमारे शेक एकेडमी ने एक ऐसा ब्रांच ओपन किया जिसे हम सोल गाइडेंस ब्रांच कहते हैं, ताकि वो फ्यूचर में ऐसे वेपन्स तैयार कर सके जिनका इस्तेमाल करके हम लोग सन मून एम्पायर का सामना कर पाए। हमारे एंसेस्टर्स की जनरेशन टू जनरेशन काफी जरा हार्ड वर्क के बावजूद भी हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, हम लोगों के सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर की टेक्नोलॉजी से काफी जरा पीछे है। जो सुनकर युहा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर मास्टर फानो से जवाब देते हुए कहता है कि ये इन क्रिस्टल्स की वजह से, जिनकी तादाद सन मून एम्पायर कॉन्टिनेंट पर काफी जरा है। आप अच्छे से अच्छे क्रिस्टल का इस्तेमाल करके खुद के लेवल को कल्टिवेट कर सकते हो, जिससे आप एक हाई लेवल के सोल गाइडेंस मास्टर बनने के लिए कामयाब हो पाओगे। युहा ने तो यहाँ पर सोल गाइडेंस मास्टर का वर्ड पहली दफा सुना, इसलिए वो हैरान होते हुए मास्टर फान से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर मास्टर फान युहा को बताते हैं कि हमारे सोल गाइडेंस ब्रांच में सारी की सारी कल्टीवेशन इसी पर डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छा वेपन क्रिएट किया या फिर उसे कितने अच्छे से इस्तेमाल किया। सोल गाइडिंग मास्टर काफी सारे लेवल्स में डिवाइड है, जो कि हम बैच से डिनोट करते हैं, जिसके बाद वो सबसे पहले प्राइमरी बैच के बारे में बताते हैं, जो कि ब्रॉन्ज कलर का था, और लेवल 1 से लेवल 3 के वॉरियर्स के पास यही ब्रॉन्ज कलर का बैच होता है। सेकंड बैच को हम लोग इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं, जिसका रंग पर्पल कलर का था, और इसमें लेवल 4 से लेकर लेवल 6 के वॉरियर्स होते हैं। थर्ड बैच गोल्डन रेड कलर का था, जो कि सिर्फ सोल गाइडेंस मास्टर लेवल 7 से लेकर लेवल 9 को मिलता है। सबसे लास्ट पर आता है सोल गाइडेंस लेवल 10 के मास्टर का बैच, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रैंक है। इसके बाद आगे का रैंक कभी किसी को नहीं मिला। यूहो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद मास्टर फान से सवाल करते हुए पूछता है कि आपका क्या लेवल है, जिस पर वो बताता है कि मैं लेवल 8 का सोल गाइडेंस मास्टर हूँ। जो जानकर तो युहा अपने मन में कह रहा था कि मास्टर फान तो काफी ज्यादा ताकतवर है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फान युहा को यहाँ प्रैक्टिस अरीना की तरफ ले आए थे, जहाँ आने के बाद वो युहा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सोल गाइडेंस टूल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। ये कहते हुए मास्टर फान यहाँ पर काफी जरा कूल तरीके से अपने सोल गाइडेंस टूल, जिसका नाम स्लीव कैनन था, उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही वो युहा को इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये स्लीव कैनन एक लेवल 2 का सोल गाइडेंस वेपन है, जिसके बारे में जानकर युहा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि लेवल 2 का सोल गाइडेंस वेपन तो क्या मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मास्टर फान युहा को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स तुम इस वेपन को इस्तेमाल कर सकती हो, इसका लेवल से कोई खास ताल्लुक नहीं, इसका सारा के सारा ताल्लुक तुम्हारे सोल पावर से है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा सोल पावर होगी तो तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। और ये कहते हुए मास्टर फान ने यहाँ पर स्लीव कैनन से कुछ शॉट्स लगाकर युहा को दिखा दिए थे, जिन्हें देखते साथ ही युहा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो टांग क्लैन के हिडन वेपन की तरह है, क्योंकि आज से कुछ वक्त पहले मुझे टैंगिया ने ज्योगी क्रॉसबो के बारे में दिखाया था, जिसका इम्पैक्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर फान युहा को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे थे कि ये सोल गाइडेंस टूल तुम्हारी सारी की सारी सोल पावर को डिस्ट्रक्टिव पावर में कन्वर्ट कर देता है, वो भी बस एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके, जिसके बाद तुम बड़ी से बड़ी तबाही कर पाओगे। साथ ही साथ मास्टर फान यहाँ पर सोल गाइडेंस टूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल तो उसी क्रिस्टल का है, क्योंकि हर क्रिस्टल पर एक स्पेशल तरह की फॉर्मेशन को इम्प्रिंट किया जाता है, जिसकी वजह से ही वो वेपन उस तरह की पावर्स को जनरेट कर पाता है। साथ ही ये रेजिस्टेंट की भी काफी ज्यादा काम आता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर बताऊं तो समझो कि अगर एक सोल गाइडेंस वेपन है जो कि हीट पावर्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो आग थ्रो करता है, उस आग की वजह से सोल गाइडेंस टूल को भी पिघलना चाहिए या फिर उसके वॉरियर को इफेक्ट होना चाहिए, पर इस फॉर्मेशन पैटर्न की वजह से ये सब कुछ रेजिस्टेंस में चला जाता है, यानी कि उस वॉरियर या फिर वेपन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस शर्त यह है कि उस फॉर्मेशन को काफी अच्छे तरीके से बनाया जाए, जितने बारीकी के साथ उस फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाएगा उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस रहेगा। जो कहते हुए मास्टर फान ने यहाँ पर अपनी वेपन का क्रिस्टल निकालकर बाहर युहा को दिखा दिया था, जिस पर वो फॉर्मेशन को देख लेता है। साथ ही साथ मास्टर फान बताते हैं कि इस फॉर्मेशन को बनाना काफी डिफिकल्ट काम है। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया गया, जहाँ युहा स्लीव कैनन को अपने साथ लाकर अपने दोस्तों को उसकी पावर्स दिखा रहा था। यहाँ पर मुझे सब लोग स्लीव कैनन के अटैक्स को देखकर बहुत ही इम्प्रेस दिखाई दे रहे थे। युहा यहाँ पर स्लीव कैनन की तरफ देखकर इन लोगों से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को ये टांग सेट के हिडन वेपन क्रॉसबो की तरह नहीं लग रहा? बस मुझे तो इन दोनों वेपन का एक्टिवेशन सिस्टम ही सिर्फ अलग दिख रहा है। जो सुनकर वार्नुंग और ज़ियाओ इसे काफी जरा गौर से देख रहे थे। युहा इन लोगों को बताता है कि अगर मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसकी मदद से मैं इन दोनों को यूनाइट कर पाऊँ तो ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से टांग सेट के हिडन वेपन की जो खोई हुई इज्जत है वो वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी ये सुनकर युहा से कहते हैं कि हाँ, मैंने भी ये सब कुछ नोट किया था, लेकिन मास्टर फान ने मुझे खुद का डिसिपल नहीं बनाया था। दूसरी तरफ उन्होंने तुम्हें सिर्फ 3 महीने के अंदर ही अपना डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। जो सुनकर सब लोग यहाँ पर युहा की तारीफें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टांगिया बताती है कि मास्टर फान काफी अच्छे मास्टर हैं, जो कि जल्दी वो पहले इंसान बन जाएगी जो कि सोल गाइडेंस मास्टर लेवल 9 तक पहुंच पाए।
पाए। उनकी निगरानी में अगर तुम काम करो तो यकीनन तुम कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लोगे जिसकी वजह से हम दोबारा एक बार टांग सेट को कामयाब कर पाएंगे। जो कहते हुए तांगिया ने टांग सेट की सारी जिम्मेदारी यूहो के कंधों पर दे दी थी। दूसरी तरफ यूहो रात को यहाँ टांग सेट के स्टैचू के सामने आकर कहता है कि आपके टांग क्लैन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। बेशक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके नक्शे कदम पर चलते हुए टांग सेट को एक बार फिर से ऊंचाइयों तक पहुँचा दूंगा। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर मास्टर फान यूहो को समझा रहे थे कि अगर तुम एक अच्छे सोल गाइडेंस मास्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेटल फोर्जिंग यानी स्मिथ का काम सीखना होगा। और वो यहाँ पर यूहो को मेटल फोर्जिंग का काम सिखाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वक्त गुजरता गया, यूहो लगातार अपनी क्लासेस में ध्यान दे रहा था, जबकि हमेशा क्लासेस के बाद वो यहाँ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आकर मेटल फोर्जिंग या फिर क्रिस्टल रिफाइनिंग के बारे में सीखता रहता था। धीरे धीरे यू ही वक्त गुजरता रहा। यूहो लगातार कोशिश करते हुए अपने सोल गाइडेंस वेपन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो लगातार नाकामयाब होता है। पर यूहो की सबसे ज्यादा खास बात यही है कि वो कभी हार नहीं मानता, बल्कि वो पहले से ज्यादा कोशिश और मेहनत करता है। अब इसी तरह से लगातार मेहनत करते हुए पूरे 8 महीने गुजर चुके थे जहां यूहो पहली दफा एक क्रिस्टल पर अपने आइस फॉर्मेशन को इम्प्रिंट करने वाला था। मास्टर फान और केटो भी यहां यूहो को देख रहे थे और वो अपने मन में सोच रहे थे कि क्या यूहो इसमें कामयाब हो पाएगा, क्योंकि मेटल पर अपने आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को इम्प्रिंट करना कोई भी आसान काम नहीं। इसमें बहुत ही ज्यादा बारीकी के साथ हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट आइस का इस्तेमाल करते हुए लगातार कॉन्सेंट्रेट कर रहा था ताकि वो क्रिस्टल पर अपने आइस फॉर्मेशन को अच्छे से इम्प्रिंट कर सके। और लगातार कई सारी मेहनतों के बाद आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो गया, जो देखकर मास्टर फान और केटाओ तो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। यूहो ने भी उस क्रिस्टल को अपने वेपन में डाल दिया था जिसकी वजह से उसका सोल गाइडेंस टूल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। अब बारी थी कि यूहो के बनाए हुए इस पहले फर्स्ट सोल गाइडेंस वेपन को इस्तेमाल किया जाए, जिसे केटाओ पहनकर टारगेट प्रैक्टिस करता है और ये कामयाबी के साथ सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से केटाओ और मास्टर फान काफी ज्यादा खुश होते हुए यूहो को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि तुम हिस्ट्री के वो पहले इंसान हो जो कि इतने कम अरसे में एक लेवल 2 का सोल गाइडेंस मास्टर बन पाया। तुमने वाकई में हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया। यूहो ये जानकर काफी ज्यादा खुश था, जबकि बाकी के सब लोग भी यूहो के लिए क्लैप करते उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। यूहो जानता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे टांग सेन के नक्शे कदम पर ही चलता जा रहा है, क्योंकि आखिरकार उसने मेटल फोर्जिंग भी सीख ली। जल्दी वो टांग सेन की तरह सबसे अच्छे हिडन वेपन्स यानी कि सोल गाइडेंस के साथ कंबाइन किए हुए हिडन वेपन्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, जिसके बारे में इस दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फान यहाँ पर अपने दोनों डिसाइपल को ऑफिस ले आए थे। साथ ही वो इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों का साल खत्म होने वाला है यानी कि जल्दी तुम लोगों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। तो बताओ कि आखिर तुम दोनों इस वेकेशन में क्या करने वाले हो। जिस पर केटाओ बताता है कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रुककर एकेडमी में प्रैक्टिस करूंगा। वैसे भी मैं एक अनाथ हूं, मेरा कोई घर नहीं। मैं यूहो को खुद से यूं तेजी के साथ आगे जाते हुए नहीं देख सकता, मैं बल्कि ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं उससे भी अच्छा परफॉर्म करूं। साथ ही वो यहां पर यूहो से भी सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारा इन छुट्टियों में क्या करने का प्लान है, जिस पर यूहो कोई जवाब नहीं दे पाता। असल में तो उसके पास कोई प्लान ही नहीं था। तभी अचानक मास्टर फान यूहो को बताते हैं कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ही कम है, इवन तुम्हारी कल्टीवेशन भी ज्यादा हाई नहीं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस वेकेशन में अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। तुम ऑलरेडी एक लेवल 20 के सोल मास्टर बन चुके हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जिंगडाओ फॉरेस्ट जाकर एक सोल रिंग हासिल करनी चाहिए। अगर तुम ये अकेले नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर यूहो उनसे कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको तो मालूम ही होगा कि हम लोग फ्रेशमैन एग्जाम के चैंपियन बने थे, इसलिए मास्टर ने हमसे वादा किया था कि हमें शेक एकेडमी एक सोल रिंग दिलवाएगी। आपको बिना वजह मैं इसके लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वैसे भी मास्टर यान मेरी इसमें मदद कर ही देंगे। दूसरी तरफ केटाओ यूहो से कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जैसी भी मदद चाहिए तुम हमसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। जबकि मास्टर फान यूहो से कह रहे थे कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कब शेक एकेडमी से जाने वाले हो, जिस पर यूहो जवाब देते हुए बताता है कि 2 दिन बाद मैं मॉर्निंग को यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। इसके बाद आखिरकार वही दिन मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया गया जहाँ पर मिस जावी अपने क्लास 1 से कह रही थी कि तुम लोगों का आज आखिरी दिन है, फिर तुम लोगों की वेकेशन शुरू हो जाएंगे। सच कहो तो तुम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हो, तुम आज तक की मेरी सबसे बेस्ट क्लास रहे। जो सुनकर तो क्लास 1 के सारे डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि आखिरकार मिस जावी ने उनकी तारीफ कर दी। लेकिन ज्याओ तो मिस जावी को अच्छे से जानती है, वो यहाँ पर वांडोंग से कह रही थी कि अभी तुम देखना इनकी अगली लाइन बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आएगी, जो कि बिल्कुल सच भी था, क्योंकि मिस जावी यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट देने वाली हूँ जिसे तुम लोगों को इस वेकेशन में कंप्लीट करना ही होगा। तुम में से हर एक बंदा अब लेवल 20 तक पहुंच चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जब भी वापस आओ तो तुम लोगों के पास एक सेकंड सोल रिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर तुम लोगों के पास सेकंड सोल रिंग ना हुई तो तुम लोगों को यहाँ शेक एकेडमी में आने नहीं दिया जाएगा। जो सुनकर तो बहुत सारे डिसाइपल इस बात से निराश हो गए थे। साथ ही साथ मिस जावी इन लोगों से कहती है कि मुझे निराश मत करना। तभी अचानक यहाँ पर
यानमिंग ने युहाओ के सोल सीम में उससे बात करना शुरू कर दी थी, जो कि युहाओ से कहता है कि ये एक बेहतरीन मौका रहेगा। मैं तुम्हें अपने साथ एक स्पेशल जगह पर लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन उसके बारे में तुम किसी के साथ भी बात नहीं कर सकते। जो सुनकर युहाओ यहाँ वर्णोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी जगह होगी जिसके बारे में वो वर्णोंग को नहीं बताना चाहता। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है।